अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो अडॉप स्टॉक की जो है ना, ये हमारी दूसरी वीडियो है और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह जो है वो इस पे अपना जो है वो डेटा अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और समझाता हूँ कि किस तरह आप इस पे अपना जो है वो एसेट्स जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिया था, यहाँ तक आप लोगों को सारी समझ आ गई थी मेरे ख्याल से। अगर फिर भी किसी को ना आई हो तो वो पूछ ले। तो यहाँ पे आपने आना है, अपलोड माय फर्स्ट एसेट्स पे क्लिक करना है एसेट। तो अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस पर आप जो है वो वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, लो क्वालिटी की ना हो, 4K हो या HD हो तो अपलोड होंगी। और इस पर आप ग्राफिक्स के एलिमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो उसका अच्छा रिजल्ट है तो वो वाली पिक्चर्स आप इसे अपलोड कर सकते हैं और अप्रूव हो जाएंगी। अगर आपके पास कोई दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन है तो वहाँ से आप कोई भी पिक्चर अगर बनाएंगे तो वो अप्रूव नहीं होगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप कोई DSLR ले लें तो वो उससे कुछ नेचर्स की, कुछ एनिमल्स की पिक्चर बनाएं और इस पे अपलोड करें। और हाँ, दूसरा आप अपनी भी अपलोड कर सकते हैं, मगर उसके लिए एक रिलीज़ फॉर्म होता है, वो फिलअप करना होता है। तो उसके लिए एक फिर अलग से सेपरेट वीडियो बनती है, तो वो फिर बाद में, अभी आप उस चीज़ पे ना पड़ें। तो अभी सिर्फ मैं आपको ये समझाऊंगा कि इस पर आप कौन से एलिमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, मतलब कौन से एसेट्स अपलोड्स कर सकते हैं। तो आप इसमें ग्राफिक्स के अपलोड कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास EPS फाइल और AI फाइल, Adobe Illustrator की फाइल्स आप इस पर अपलोड कर सकते हैं। Adobe Illustrator की फाइल्स हो गई और JPG फाइल्स, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। JPG फाइल्स जो होती हैं वो मतलब जो आपने कुछ नेचर्स की पिक्चर ली हो, कुछ बिल्डिंग्स की ली हो या कुछ एनिमल्स की ली हो, तो वो आप इस पर अपलोड कर सकते हैं। तो आइए, अपलोड करने का प्रोसेस क्या है, यहाँ पे क्लिक किया है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है या फिर ब्राउज़ कर सकते हैं। तो सिंपल, मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं कुछ एसेट्स, जैसे कि इसमें मैंने यहाँ पे लिखा भी है Adobe Stock न्यू डेटा। तो इस पर आप जो है ना वो लोगो भी अपलोड कर सकते हैं और सिंपल कुछ भी, मतलब जो ग्राफिक्स एलिमेंट है ये देख लें, ये आप इस पे ना, ये बटरफ्लाई लोगो डिज़ाइन, ये आप इस पे अपलोड कर सकते हैं। ये जैसे ये पड़ा हुआ है, ये JPG फाइल पड़ी हुई है, इसके साथ इसकी AI फाइल भी पड़ी हुई है और EPS फाइल भी पड़ी हुई है। तो आप ये तीनों फाइल अपलोड कर लें, जो भी क्लाइंट आएगा आगे इस वेबसाइट पर वो अपनी मर्ज़ी से जो फाइल चाहे वो डाउनलोड कर सकता है। तो सिंपल आपने यहाँ से उन फाइल्स को क्लिक करना है, मतलब मिसाल के तौर पर ये फाइल हैं पहली हमारी, तो ये देख लें कि तीनों के नाम आपने सेम रखने हैं, नेम चेंज ना हो, ये तीनों के नेम सेम हो, क्योंकि आपकी फ़ाइल जब क्लाइंट सर्च करेगा तो उसके पास ना नीचे तीनों फाइल्स का ऑप्शन आ रहा हो कि भाई उसने JPEG में डाउनलोड करनी है, AI में डाउनलोड करनी है या EPS में डाउनलोड करनी है। तो ये कोशिश करें कि तीनों के नेम सेम हो जब आप फाइल को सेव कर रहे हो अपने लैपटॉप में, और जब आप अपलोड करें तो इधर भी आपने यहाँ पे इन तीनों पे क्लिक करना है, क्योंकि ये तीनों एक ही फाइल हैं। और यहाँ पे आपने नो कर देना है, यहाँ पे सिंपली ये इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया है कि ग्राफिक रिसोर्स है और राइटिंग टाइटल हम इंग्लिश में ही लाजमी से बात लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने टाइटल तीनों का, ये तीनों को क्लिक करना है, कंट्रोल कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करना है, फिर कंट्रोल के साथ इन तीनों पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये तीनों सेलेक्ट हो जाएंगी और यहाँ पर इसका आपने टाइटल देना है, जैसे कि ये देख लें, बटरफ्लाई लोगो, और नीचे इसके कीवर्ड्स कुछ जो भी है, मतलब बटरफ्लाई है तो बटरफ्लाई लिखने, ये इस तरह कॉमा दे के फिर स्पेस देनी है, फिर फ्लाई लिखने, ये हैशटैग्स हैं, हैशटैग के कीवर्ड्स हैं, मतलब जब इन कीवर्ड्स को सर्च किया जाएगा तो ये आपके ना इधर मतलब आएंगे। तो ये आप 50 जो है ना, 50 तक जो है वो अपलोड कर सकते हैं, 50 कीवर्ड्स आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये कीवर्ड्स का भी मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आप कहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप इजीली कॉपी एंड पेस्ट इसमें कर सकते हैं। तो वो नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह होगा वो चीज़। तो यहाँ पे सिंपल ये आपका हो गया है, तो इसके बाद आपने जो है वो, अच्छा एक मिनट, ये जो है ना, ये कीवर्ड्स हमें पूरे लिखने पड़ेंगे, बटरफ्लाई लोगो कंसेप्ट, आई थिंक इसका टाइटल भी फ्री टू डाउनलोड्स, यहाँ पे हमें जो है ना इसमें कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे तकरीबन 5, मिनिमम 5 वो कह रहा है। जैसे हम देखने फ्लाई, ये मैं अपना वैसे ही लोगो दे रहा हूँ, सॉरी लोग कह रहा बटरफ्लाई, इसके अलावा लोगो टू वन, क्योंकि मुझे अब सही से याद नहीं आ रहे
तो मैं बस अपनी मर्जी से कुछ भी देता जा रहा हूँ। मिनिमलिस्ट लोगो, मिनिमलिस्ट। तो ये अब जो है ना, ये देखिए हमने 5 कीवर्ड दिए हैं, तो ये अब हो गया है। अब ये हमारे पास ऑप्शंस पूछ रहा है कि सबमिट 3 फाइल्स, तो यहाँ से आपने सबमिट कर देनी है इन फाइल्स को। सबमिट पे क्लिक कर देना है और ये देखें, ये आपके रिव्यू में चले गए हैं। ये मेरे ख्याल से अगर आप जुम्मे वाले दिन अपलोड करेंगे तो फिर आपके तकरीबन बुध वाले दिन ही अप्रूव होंगी फाइल, क्योंकि हफ्ता एतवार छुट्टी होती है। अगर आप मंडे को अपलोड करेंगे तो हो सकता है कि दूसरे दिन या तीसरे दिन ये अप्रूव हो जाए ऑटोमेटिकली, तो या रिजेक्ट हो जाएगी या अप्रूव हो जाएगी। रिजेक्ट हो जाएगी तब भी वो आपको बताएगा कि भाई क्यों रिजेक्ट हुई, या रीज़न आएगा। एक्सेप्ट होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना, वो यहाँ पे डैशबोर्ड पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपकी इमेजेस जो हैं वो आई हुई होंगी। तो अगर कुछ समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरह आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। बाकी अगर आप मेरे चैनल्स पर नए हैं, लाजमी सी बात है नए ही होंगे, क्योंकि मैंने अभी कुछ ही दिन पहले चैनल बनाया और अभी ये मेरी दूसरी तीसरी वीडियो ही है इस चैनल पर। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत।